ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है मेरा, आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। 1-0 आजीवन रिकॉर्ड के साथ समाप्त होने वाले मुक्केबाजी करियर का विश्लेषण गंभीर रूप से अधूरी कहानी के रूप में माना जा सकता है, लेकिन डेवी बोजेला के मामले में ये एक जीत जीवन भर के कारावास से वापसी थी। उन्होंने मर्सी कॉलेज से स्नातक की डिग्री और न्यूयॉर्क थियोलॉजिकल सेमिनरी से मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1977 में 22 वर्षीय एमा क्रेप्सर की न्यूयॉर्क के उनके पॉकी किसी अपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि क्रेप्सर एक चोरी पर चला गया जो कि 18 वर्षीय बोंजेला द्वारा किया जा रहा था, जिसने उसे मार डाला। 1983 में बोंजेला को हत्या का दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा जेल में सुनाई गई। उसने दावा करना जारी रखा कि वो निर्दोष है और उसने उन अपराधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिनके बारे में आरोप लगाया गया था, यहां तक कि पेरोल बोर्ड के सामने भी, जिसने उन्हें 4 मौकों पर पेरोल से वंचित कर दिया। बोंजेला ने इनोसेंस प्रोजेक्ट से संपर्क किया जो उनके मामले की जांच करने के लिए तैयार हो गया। जब इनोसेंस प्रोजेक्ट को पता चला कि परीक्षण के लिए कोई DNA सबूत नहीं बचा है, तो उन्होंने इस मामले को विल्मर हेल को भेज दिया। विल्मर हेल के वकीलों ने नए सबूतों की खोज की जो अभियोजकों द्वारा दबा दिए गए थे, ये दिखाते हुए कि बोंजेला वास्तव में निर्दोष था और उसे फंसाया गया था। न्यूयॉर्क के पुटनम काउंटी के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेम्स रूनी ने सहमति व्यक्त की कि डेव्स काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉन किंग बोंजेला की बेगुनाही साबित करने वाले महत्वपूर्ण सबूतों का खुलासा करने में विफल रहे थे। 28 अक्टूबर 2009 को बोंजेला को 26 साल की सेवा के बाद आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया। बोंजेला को न्यूयॉर्क राज्य में कैद किया गया था, जिसमें ओसिनिंग न्यूयॉर्क से सिंग सिंग कर्शनेक्शनल फैसिलिटी भी शामिल है। सिंग सिंग में कैद के दौरान वो जेल का लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन बन गया। ऐसी ही कहानी मेकर्स गणपत में दिखाने वाले हैं। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राथ स्टूडियोज़।